अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा व तालिबात, पिछले वीडियो में हमने देखा कि अनासिर को तीन जमातों में जमातबंद किया जाता है और वो जमातें होती हैं धार, आधार और धातुमा। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे धार, आधार और धातुमा की क्या खसूसियत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे धात की तरफ जाएंगे, हम सबसे पहले देखेंगे धातें बनती कैसे हैं। तो सबसे पहले धातें जो होती हैं सोना, चांदी, लोहा, एलुमिनियम वगैरह, ये सब धातें हैं। ये धातें अपने आखिरी मदार में जो इलेक्ट्रॉन होता है उनको खोकर मुस्बित आयन बनाती हैं और धात कहलाती हैं। अब हम देखेंगे इनकी जो हालत होती है, जो खासियत होती है वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम धात की तबई हालत। तबई हालत में देखा जाए तो आमतौर पर धातें ठोस हालत में होती हैं, सिवाय पारा और गैलियम। पारा और गैलियम के दोनों ऐसी धातें हैं जो कि माय हालत में पाई जाती है, बाकी मानदा तमाम की तमाम धातें ठोस हालत में पाई जाती हैं। ये उसकी पहली खासियत। अजीज तलबा तालिबात, उसके बाद हम आगे देखें उसकी दूसरी खासियत। तो उसकी दूसरी खासियत देखेंगे हम उसकी चमक। देखा जाए तो धातुओं के अंदर एक चमक पाई जाती है, जिस तरह हम देखते हैं सोने को, चांदी को, या फिर हम कोई घर में कोई बर्तन हो स्टील वगैरह का, उसको जब हम धोते हैं अच्छे से चमकाते हैं, घिसते हैं, तो घिसने पर धोने पर धातें चमकती हैं। तो दूसरी खासियत यह है कि धातु में चमक पाई जाती है। उसके बाद हम आगे जाएं तो देखेंगे धातें सख्त होती हैं। धातें सख्त होती है, धातु के अंदर सख्त पना मौजूद होता है। उसके बाद आगे हम और जाए और इसकी अगली खासियत देखें तो धातें तार पजीर होती हैं। तार पजीर यानी, प्यारे बच्चों आपने देखा होगा सुनार की दुकान में आपका जाना हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि सुनार एक बारीक सुराख के जरिए चांदी के चांदी या सोने को गुजारता है और गुजार कर वो उसको अपने मनचाहा उसको तार की शक्ल दे देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम धात को खींच कर तार की शक्ल दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि धातें जो होती हैं वो तार पजीर होती हैं। अजीज तलबा, जिस तरह से धातुओं को हम खींच कर तार की शक्ल दे सकते हैं, इसी तरह से धातुओं को हम ठोक कर, पीट कर या हथौड़े वगैरह से जर्ब लगाकर उसे हम वर्क की शक्ल दे सकते हैं। हमारे सामने उसकी बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे कि हम जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं ये भी उसी की मिसाल है। उसके बाद हम फॉइल पेपर देखते हैं वो भी उसी की मिसाल है। उसके बाद हम जो छत पर पतरे वगैरह लगाते हैं टीन के, वो भी इसी की मिसाल है कि अगर हम उसको, या तो फिर हमको एक कील लेना है, लोहे की कील लेना है और उस पर हथौड़ी के जरिए से उसको हमको क्या करना है, जर्ब लगाना है और उसका मुशाहिदा करना है, तो हम देखेंगे कि जैसे ही हम उस पर जर्ब लगाएंगे तो जर्ब लगाने की वजह से वो कील अपने आप को क्या करेंगी, वर्क की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। ये उसकी एक खासियत। उसके बाद हम आगे और जाएंगे और उसकी आगे और खासियत देखेंगे तो धाते वर्क की उम्दा मौसल होती है। बर्क की उम्दा मौसल होती है, पता है आपको कि अगर हम धातुओं में से बर्क को गुजारा जाए तो वो आसानी से मुंतकिल, उसमें उसकी मुंतकली हो जाती है। उसकी मिसाल, अगर हमको पंखा चालू करना हो तो हम क्या करते हैं, बटन ऑन करेंगे। अब बटन और पंखे के जरिए, पंखा और बटन के दरमियान एक ताल्लुक है, और वो ताल्लुक क्या है, जो तार गया हुआ है, एल्यूमिनियम का बोलो या कॉपर का, तांबे का बोलो, ये तार के जरिए क्या होता है, जैसे हम बटन को ऑन करते हैं, ऑन करने की वजह से वहां से बर्क उस तार के जरिए से होते हुए कहां जाती है, फैन पर या बल्ब पर, और वो अपना काम करना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि धातें जो होती हैं वो बर्क की उम्दा मौसल होती हैं। उसके आगे हम जाएं और देखें तो धातें हरारत की भी उम्दा मौसल होती हैं। इसकी मिसाल, अगर हम हमारे हाथ में एक कोई कील वगैरह पकड़े, लोहे का खिला लें और उसको हम आग में गर्म करना शुरू करें, या तो फिर हम एक लंबा तार लें इस तरह से और वो तार के जगह जगह हम क्या करें, प्लास्टिक या मोम लगा दें और उसको हम एक सिरे को यहाँ पर गर्म करना शुरू करें, तो क्या होगा, अजीज तलबा तालिबात, मुशाहिदा करने पर यह देखा जाएगा कि जैसे ही ये तार गर्म होना शुरू होगा हरारत की मुंतकली भी शुरू होगी, और धीरे धीरे पहले यहाँ पर जब हरारत आएगी तो यहाँ पर लगाया हुआ मोम अपनी नीचे आएगा, उसके बाद फिर ये वाला, उसके बाद फिर ये वाला, धीरे धीरे वो हमारे हाथ तक क्या होगा, गर्म महसूस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो धातें होती हैं ये हरारत की भी उम्दा मौसल होती है। तो अजीज तलबा तालिबात, ये देखे हमने धातुओं की कुछ खसूसियत। इसी तरह से हमको देखना है अब कि अधातों की जो खसूसियत है, हमको देखने में पता चलता है कि धात, धात का माकूस अधात,
अब जो खासियत धातुओं की थी उसके माकूस क्या आएंगी, अधातुओं की। जैसे कि यहाँ पर हमने तभी हालत में देखे थे धातु आमतौर पर ठोस हालत में थी, लेकिन उसके बरक्स अगर हम अधात को देखें तो आमतौर पर अधातें तीनों हालत में पाई जाती है, ठोस, माय और गैस। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे इनकी हालत कैसी होती है, देख लिया हमने। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो होती हैं फूटक होती हैं। क्या होती हैं? फूटक। फूटक यानी फूटने वाली। अगर हम अधातों पर जर्ब लगाए, उनको ठोके, उनको पीटे, तो वो तार या वर्ग की शक्ल में तब्दील ना होते हुए क्या होती हैं? टूट जाती हैं। अजीज तलबा तालिबा, जैसे ये एक चौक है, ये भी अधात की मिसाल है। अगर इसको हम ठोके तोड़े तो क्या होगा, ये देखो ये क्या होगा, ये बिखर जाएगा, टूट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फूटा गया। जैसे हम कोयले को जर्ब लगाए, हीरे को जर्ब लगाया तोड़ेगा तो वो क्या होगा, वो टूटकर बिखर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, अधातें क्या होती हैं, फूटक होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे चमक, तो अधातों में चमक नहीं पाई जाती, लेकिन अगर हम हीरे को देखेंगे तो हीरा अधात होने के साथ साथ क्या करता है, चमक भी पाई जाती है। तो कुछ अधातें ऐसी है आयोडीन की कमी वगैरह और हीरा के, जिनके अंदर चमक पाई जाती है। उसके बाद हम आगे जाएं, देखें धातें वर्ग की उम्दा मौसल, उसके माकूस अधातें वर्ग की मौसल नहीं होती, लेकिन एक ग्रेफाइट है जो कार्बन का बहरूप कहा जाता है, वो वर्ग का उम्दा मौसल है। लेकिन उसके अलावा अगर हम दूसरों की बात करें तो दूसरी तमाम की तमाम अधातें वर्ग की गैर मौसल होती है। जिस तरह से वर्ग की गैर मौसल होती है, उसी तरह से अधातें हरारत की भी गैर मौसल होती है। उसकी अगर हम मिसाल देखें रोजमर्रा जिंदगी में, तो बहुत सारी मिसालें होती हैं। जैसे आपने देखा हो किचन के अंदर अम्मी को, अगर उनको कभी चूल्हे पर से कोई गर्म बर्तन उठाना हो तो वो किसी हाजिस का इस्तेमाल करेंगी, कपड़े से पकड़ेंगे उसको या कोई प्लास्टिक की चीज से पकड़ेंगी। क्यों? ताकि वो उससे उसको क्या ना लगे, गर्म महसूस होना, चटका ना लगे। और एक मिसाल है उसकी, जो हमने वायर देखे इलेक्ट्रिक वायर, इस वायर को महजूस किया जाता है हाजिस के जरिए, इस पर एक प्लास्टिक की कोट लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है, जिस तलबा के आपने उस पर गौर किया, आपको साइंस के तलबा होने के नाते ये सब चीजों पर गौर करना है कि क्यों लगाया गया है। उसकी वजह यह है कि जो अंदर तार है वो वर्ग का उम्दा मौसल है, अगर उसको हम छू लेंगे बरन हाथों से तो हमें शॉक लगने का खतरा है। इसके लिए उसको अधात की कोट किया जाता है, अधात से उसको लपेटा जाता है, ताकि उसको हम अधात जो होती है वो वर्ग की मौसल नहीं होती, अगर उसको हम हाथ भी लगाए तो हमें शॉक वगैरह ना लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, धाते जो होती है ये वर्ग की और हरारत की गैर मौसल होती है, फूटक होती है, इनमें हीरे वगैरह को छोड़कर धाती चमक भी नहीं पाई जाती। अब इन्हीं के दोनों की हमने खुशियत देख दी थी तलबा, अब उसके बाद देखिए हम धातुनुमा। प्यारे बच्चों, कुछ अनासिर ऐसे हैं जिनमें धाती खासियत और अधाती खासियत दोनों शामिल होती है, दोनों पाई जाती है। सिलिकॉन हुआ, उसके बाद जर्मेनियम हुआ, इस तरह से वगैरह के अंदर धाती और अधाती दोनों खासियत पाई जाती हैं, दोनों खासियत के हामिल होते हैं, इस बिना पर उन्हें अधात का नाम दिया जाता है। तो अजीज तलबा तालिबात, आज के इस वीडियो में हमने धातुओं की खासियत, अधातों की खासियत और धातुनुमा की खासियत देखे। इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर हम धातुओं की, अधातों की, अधातुनुमा की कीमियाई खासियत देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।